तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्टाहोलिक बैचलर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वीडियो आखिर तक देखते रहना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे कि मानो पेस बॉलर के खिलाफ आप कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, कभी कभी बॉल भी नहीं दिखती, कि आपको जजमेंट नहीं होता कि कहाँ से बॉल चली गई, आपको पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको बॉल दिखेगी नहीं तो आप हिट कैसे करोगे उसको। तो आपको ये सब पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि आप कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो और कैसे आप अच्छे से टाइमिंग लगा के बॉल हिट कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं दोस्तों कि मतलब पहला टाइप जो है कि बॉलर को, मतलब जब बॉलर आता है, बॉलर रन अप लेता है, तो उससे जब बॉलर रिलीज करता है अपने हाथों से, तो आपको वहीं से ही बॉल दिखती है कि कहाँ चली गई। तो पहला टाइप में ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब जैसे कि रिलीजिंग पॉइंट की तरफ फोकस करो दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे यहाँ पे मेरे जो भाई है वो बॉलर के फेस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब बॉलर का चेहरा देखते रहते हैं। क्या कुछ सब हो जाएगा दोस्तों उससे, आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। एक सुकून रहता है कि हाँ, हमारा आइडल जो है वो हमारे सामने कहीं ना कहीं बॉल डाल रहे हैं, तो उसमें सुकून मिल जाता है। पर उससे आपको शॉर्ट्स खेलने में बहुत परेशानी होगी दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग से आदत डाल लो, रिलीजिंग पॉइंट पे फोकस करो हमेशा, कि उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको बहुत सारे एरिया पता चलेंगे कि कहाँ बॉल डालने वाला है, एक भी पता चलेगा कि मतलब इनस्विंग डालने वाला है, आउटस्विंग डालने वाला है, कौन सा वेरिएशन डालने वाला है, बाउंसर डालने वाला है, यॉर्कर डालने वाला है। ये सारी चीज़ आपको पता लग सकती है सिर्फ उसकी एक्शन की तरफ देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली जो है वो क्या करते हो दोस्तों कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब एक पेस बॉलर को वो फ्रंट फुट आके शॉट लगाते हैं। इसमें क्या मतलब कैसे लगा सकते हो कि खैर उनकी तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, मतलब उनको अभी एक गेम जो होता है वो फिट हो चुका है, मतलब कि अभी ये बॉलर कौन सा बॉल डालने वाले ये भी आपको उनको पता चलता है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है उसके यहाँ पे, कि जो उनको पता है कि अगर आप कहीं ना कहीं देखो फोकस जो रहता है ना, कॉन्सेंट्रेशन, वो उनका हमेशा बॉलर के रिलीजिंग पॉइंट पे रहता है, तो उससे आपको जजमेंट आ जाता है। और खैर मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि एक दो टेंस में आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप थोड़े थोड़े खेलने जाओगे आगे तो उसमें आप ग्रो कर सकते हो, थोड़े से अच्छे और बेटर बन सकते हो। और अगर मानो कि मतलब ये आपको मतलब हो गया पूरी तरह से, मतलब आपने अच्छे से रीडिंग करना चालू कर गए, मतलब बॉलर को थोड़े से मतलब जो रिलीजिंग पॉइंट पे आप फोकस करने लगे अच्छे से, आपको पता चल रहा है कि कब बॉल डाल रहा है, क्या बॉल डाल रहा है, फिर भी आपका टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा है और शॉट आप हिट नहीं कर पा रहे हो, तो ये मेरा दूसरा टाइप है दोस्तों कि मतलब आपको सब कुछ मालूम है कि कहाँ पे बॉल गिरने वाला है। कभी कभी क्या हो जाता है कि आप डर जाते हो, और डर की वजह ये होती है कि मतलब पेस होता है बॉल को, तो आपको पता है कि मतलब ये बहुत भाई भाग के आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा। मानो आपके सामने एक ब्रेटली जैसा बॉलर है, खूखार बॉलर है जिसको बोलूंगा मैं, कि बहुत तगड़ा पेस है उनके खिलाफ, तो कारण क्या है जो मतलब इनको बहुत सारे विकेट मिलते हैं, कि बहुत सारे बैट्समैन को बॉल दिखती नहीं, तो अगर बॉल दिखेगी नहीं तो आप हिट कैसे करोगे, और हिट तभी करोगे जब आपका टाइमिंग अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो आप हिट करके भी कुछ फायदा नहीं, कि आप आउट हो जाओगे हवा में मार के। तो यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों, आपकी जो नज़रें ना तो आखिर तक देखते रहनी होती है बॉल को, आपका जो फोकस है वो हमेशा बॉल पे रखो आखिर तक, क्योंकि क्या हो जाएगा कि एक सेकेंड के लिए भी आपका जो फोकस जब हटा तब तक बहुत कुछ हो सकता है, आपकी विकेट बिगड़ सकती है, आपको मतलब कहीं बॉल भी लग सकती है, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था बॉल की तरफ। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपके ये सवाल आ रहे होंगे मतलब कि यार हम कैसे करें, मतलब हमें पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें होती है हमसे, कि मतलब हम बॉल को देख नहीं पाते, हम बॉलर के चेहरे को देखते, हम हमारी आंखें बंद हो जाती है अपने अब, तो क्या करें इसके लिए, क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंपल सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि जो आप घर पे कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, जो कि जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो कि एक थोड़ी सी कौन सी छोटी चीज़ लो, वो यहाँ पे जैसे कि आप डिस्टेंस यहाँ पे इतना देख सकते हो कि इतना डिस्टेंस पे, तो थोड़ा सा इतना डिस्टेंस पे रखो वो चीज़, जैसे कि आप ओनियन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, और उसमें फोकस करो कि मतलब एक मिनट तक बिना आँख बंद किए आपको ये फोकस करना है। तो इससे भी क्या हो जाएगा, जब बॉल आएगी आपकी तरफ तो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, मैं आँखें तो बंद करूँगा ही नहीं, हमें अभी आँखें तो बंद होने वाली नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने अभी इसकी प्रैक्टिस की है, इसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आगे जाके, और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने वाला है दोस्तों। एक छोटी सी कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, और आधा एक मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि बिना आँखें बंद किए मैं कैसे फोकस कर सकता हूँ उस पर। तो अगर ये आप डेली करोगे ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और आप आराम से शॉर्ट्स खेलने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छे अच्छे वीडियो सबके सामने लाता रहो इसके लिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।